महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को मिला और एक समर्थन। बता दें कि आरबीआई सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दादा गायकवाड़ ने अपने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर अब उनके साथ मतदाताओं के बीच जाना है। इस बीच आपको बता दें कि भिवंडी शहर में आरपीआई सेकुलर पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सह चिटनीस किरण चेन्ने द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और इस पत्रकार परिषद में महाविकास आघाड़ी के भिवंडी लोकसभा 23 के जो उम्मीदवार हैं सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, इनके साथ मिलकर काम करने का आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दादा गायकवाड़ के माध्यम से दिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि किरण चेन्ने जो कि अपने सामाजिक कार्य को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इस बीच आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा के समर्थन में ये उतरे तो सही, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश भगवान सामरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मंच पर हर चौराहे पर जाकर वहां पर नीलेश सामरे के लिए मत मांग रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि आरपीआई सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दादा गायकवाड़ का आदेश आने के बाद आरपीआई सेकुलर पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के शहर चिटनीस किरण चेन्ने ने पत्रकार परिषद रखकर पत्रकारों को जानकारी दी कि भिवंडी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं महाविकास आघाड़ी के सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, इनके समर्थन में ये काम करेंगे। हम संविधान को मानने वाले और लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। आरपीआई सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्याम दादा गायकवाड़ और तमाम जो उनके साथी हैं वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में ये काम कर रहे हैं कि दलित वोटों का बंटवारा ना हो, वो सभी वोट इंडिया गठबंधन को मिले ताकि भाजपा सरकार को परास्त कर सके। आप इस 10 सालों में भारत में जो भाजपा सरकार काम कर रही है इससे तो ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है, ना युवा खुश है। बेरोजगारी का बहुत ही प्रश्न बहुत बड़ा है, महंगाई का प्रश्न बड़ा है, और जिस तरह से उन्होंने निर्भया के बाद निर्भया एक्ट बनाया था, आप मणिपुर की हालत देखो कि गए 11 महीने से मणिपुर में दंगल शुरू है, लेकिन वो उस दंगल को बंद करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। निर्भया एक्ट में जो आर्थिक प्रावधान किए थे महिलाओं के सुरक्षिता के लिए, उसका भी अमल बजावनी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाजपा गवर्नमेंट से पूरी तरह से ये आम जनता नाखुश है। तो आज वो भारत सरकार में भाजपा ये बात कर रही है कि हमको संविधान हटाना है, हमको मनुस्मृति लाना है, और उन्होंने कहा है कि 400 पार का नारा दिया है। तो उनका मंसूबा यही है कि इस देश का संविधान पूरी तरह से तहस नहस करे। तो हम संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के लोकशाही को बचाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि आज के तारीख में भाजपा को हराने का काम सुरेश बाल्या मामा मात्रे राष्ट्रवादी के जो कैंडिडेट वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उद्धव ठाकरे गट भी है, मुस्लिम वोट है, दलित वोट है। तो आज के समय में भाजपा को हराने की ताकत बाल्या मामा मात्रे में है, इसलिए हम उनको और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट देने के बाद बाल्या मामा के जो स्टेटमेंट आए हैं वो हर एक स्टेटमेंट कपिल पाटिल जी ने किस तरह से विकास नहीं किया मंत्री होने के बावजूद उसके बारे में आ रहे हैं, टोरेंट हटाने के बारे में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के बारे में आ रहे हैं, मुरबाड़ की जो रेलवे की स्थिति है उसके बारे में आ रहे हैं, शाहपुर का जो पानी का प्रश्न है उसको लेकर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से कपिल पाटिल काम करने में जो असफल रहे हैं, जनता के जो प्रश्न है उनको सफल करने के लिए वो पूरा तरह से असफल रहे हैं, उसकी बात बाल्या मामा मात्रे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो जनता की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से वो भाजपा के खिलाफ में है, और वो भाजपा के खिलाफ में हम इसलिए उनके साथ है। अगर उनका कोई रवैया बदलता है तो हम हमारा भी स्टैंड बदल देंगे, क्योंकि हम इस देश में उन तानाशाह ताकतों को मिटाना चाहते हैं जो संविधान विरोधी है। भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से 400 बार अगर होता है तो बाबा साहब द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसमें हमको बदल करना है, इसके लिए 400 पार होना बहुत जरूरी है। 400 पार वो नहीं हो सकते कि साउथ में 106 सीट है, केरला में 0 है, ओडिशा में 0 है, बहुत राज्यों में
उनका एक एक कैंडिडेट भी चुन के नहीं आया है, तो वो 180 भी नहीं 150-175 तक सीमित रहेंगे। लेकिन लोगों को उलझाने के लिए, लोगों को संभ्रमित करने के लिए वो अगर जीती रहे 400 पार हो रहे, तो महाराष्ट्र में देखो आप मनसे को ले रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को साथ ले रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम भाजपा के बलबूते पे 400 के पार जा रहे हैं, तो छोटे छोटे गुट को क्यों ले रहे हैं? भारत में वो 400 पार नहीं हो सकते। वो मानसिक तौर पे भाजपा पूरी तरह से हार चुकी है, और ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक जुमलेबाज पार्टी होने के कारण वो लोगों में संभ्रम पैदा करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे कि हम 400 पार हुए, वो 400 पार नहीं होने वाले है। भिवंडी लोकसभा में कम से कम 2 लाख वोटों का फायदा इंडिया गठबंधन के बाला सुरेश मामा मात्रे जो कैंडिडेट है उनको होगा।